What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 17 अप्रैल 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:49 हो रहा है। फ्राइडे हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। लास्ट वीकली एक्सपायरी से हम देख रहे थे कि एक मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, कैसे वो चार्ट में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। मोदी जी ने जो एक्सटेंड किया है लॉकडाउन, उसमें कहा था कि 20 अप्रैल से जहां पर ग्रीन जोन है वहां पर कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्शन है वो शुरू हो सकता है, वो एनालिसिस करके उस एरिया का एनालिसिस करके उसको अनुमति दी जा सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज था। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमें मेंटेन करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर जब तक वैक्सीन नहीं आती और WHO या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये जब डिक्लेयर नहीं होता, तब तक ये जो इसका फैलाव है इसके लिए हमें प्रिकॉशंस हर वक्त लेते रहना काफी जरूरी है। तो घर में रहिए और दूसरों को ये कोरोना वायरस फैलने से हम ये बचा सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करते, कल के जो एनालिसिस था उसका रिव्यू करते। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 अप्रैल कल का वीडियो। अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9021। जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ उसके बाद एक घंटे में ही कैसा पैटर्न होगा ये एक अंदाजा आ रहा था। एक स्लगिश एक बोरिंग पैटर्न था कल, काफी स्लो मूविंग ट्रेडिंग कल देखने को मिल रहा था। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव हुआ तो ब्रेकआउट लेवल के पास काफी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को। इसने हालांकि ये ब्रेक करने के बाद हाई 9053 का हाई लगाया, लेकिन काफी देर सस्टेन नहीं हो पाया इस लेवल के ऊपर। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात, कल अमेरिकी बाजार नासडैक में एक ट्रम्प की तरफ से भी एक नया टास्क फोर्स एक नया प्लानिंग अमेरिका के लिए एक ला सकता है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। तो वहां पर भी मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। नासडैक 139 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो मिला जुला कारोबार वहां पर दिखाई दे रहा था। एशियाई बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निक्केई भी 500 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हांगकांग और ताइवान मार्केट भी अभी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 850 पॉइंट की अभी इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो एशियाई बाजार जबरदस्त इस समय तेजी में देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। अभी इसने 8672 जहाँ पर 2 वीक इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, इसको ब्रेक करके अभी निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो नेक्स्ट लेवल 9390 का होगा, 38.2% का लेवल है। यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे, एक हर्डल यहाँ पर फेस करे निफ्टी इंडेक्स। आज हो सकता है कि आपको ओपनिंग हो, जैसे कि हम एशियाई बाजारों का हाल देख रहे हैं। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। ऊपर 9390 का रेजिस्टेंस हो सकता है और नीचे 8672 का सपोर्ट हो सकता है। डेली चार्ट देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, जैसे कि हम लास्ट 2-3 वीडियोस से बताते आ रहे हैं कि एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। एक रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ना ही ब्रेकआउट हो रहा है ना ही ब्रेकडाउन। ये जो वेनसडे लास्ट वेनसडे का ये जो रेंज है हाई और लो, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स अभी तक क्लोज नहीं दे पा रहा है। इसी रेंज के बीच में ये क्लोज हो रहा है। तो एक रेंज बाउंड एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा है लास्ट 4 दिनों से। तो जब इसका ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तब हमें यहाँ से कंफर्म नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है। देखिए जब भी ये अप ट्रेंड आता है तो पैटर्न जो होता है वो हायर हाइस का बनाना काफी जरूरी होता है। ये ऐसे अगर ऐसे पैटर्न चलेगा ये इस तरह से
तो यहाँ पर ट्रेड करते वक्त काफी दिक्कतें हो सकती है इस तरह के पैटर्न में, इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। तभी ऐसा इस माहौल में, इस फेज में काफी एसएल हिट होने के चांसेस रहते हैं। जब ये ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ता है, ये अपसाइड के लिए हायर हाई हायर लोस का पैटर्न होता है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो होता है, तभी ये पैटर्न अप ट्रेंड में है ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ऐसा पैटर्न होता है, एक रेंज के अंदर ये ट्रेड होता है, तो काफी बोरिंग, काफी स्लगिश फेज ट्रेडिंग का देखने को मिलता है। और जब भी इसका हाई या फिर लो का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, तभी जबरदस्त हमें यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल रेंज में है, रेंज का अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें वहां से ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्योंकि इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स ये जो रेंज बना था 2 दिन पहले, यहाँ पर कल देख सकते हैं इसके पहले के एक दिन ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे की तरफ आया। तो ये जो लेवल है 9110, इसको अगर ब्रेक करते हैं कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9157। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9225, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन, तो ये जो सेकेंड टारगेट है इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, हाँ 30 मिनट्स के चार्ट में या फिर 15 मिनट्स के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाइए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9263, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा। अगर सेकेंड टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है गैप अप ओपन होने के बाद तो ही, और अदरवाइज अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है, तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यानी 8956, उसके नीचे ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा था 2 दिन, तो इसका लोअर बैंड यानी 8931 के पास आ रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 100 EMA का ये ग्रे लाइन जो कि 8887 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8853, 855 जो कि ये S1 के पिवट पॉइंट के लेवल के आसपास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।